लुका रचित सुसमाचार उसका 6:40। कुछ इस प्रकार है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, जो सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े कार्य करोगे। आज यदि हम सामाजिक गुरुओं को देखें तो कभी कोई गुरु नहीं चाहेगा कि मेरे शिष्य को पूर्ण शिक्षा मिल जाए। यदि आप उनसे कुछ सीखना चाहेंगे तो वो आपको दीक्षा देंगे लेकिन पूर्ण शिक्षा ना देंगे। वो आपको नहीं चाहेंगे कि आप उनके समान हो जाए और आप उनके साथ विराजमान हो। वो एक गैप, वो एक भिन्नता को जरूर रखेंगे। वो होते हैं सामाजिक गुरु, जो शारीरिक रूप में आपको सांसारिक शिक्षा से भरते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मिक पिता है, जो हमारा परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु मसीह है, जब हम उसकी शिक्षा में जाते हैं, जब हम उसके बताए गए वचनों में जाते हैं और पढ़ते हैं, तो वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। मैं बड़ी खुश होती हूँ जब मैं अपनी बेटी को अपने से भी अच्छा बोलते और पढ़ते हुए देखती हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी बेटी को अपने से भी अच्छा गाते हुए देखती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी है, वो मेरा अधिकार है। और इसी अनुसार सिर्फ और सिर्फ वही प्रसन्न और खुश हो सकता है जो आपका रचयिता है, जो आपका रचनाकार है। सिर्फ वही चाहेगा कि आप उससे बड़े बड़े कार्य करें, और वो है परमेश्वर। तो यहां आप जिस झुंड में बैठे हैं, जो जिसने आपको सिखाने के लिए बुलाया है, वो आपका बनाने वाला रचयिता परमेश्वर है। और वो चाहता है कि जो भी कुछ आप यहां से सीखें और अपने घरों में लेके जाएं, वो आप उससे भी बड़े बड़े कार्य करें। क्योंकि जब आप उससे भी बड़े कार्य करते हैं तो उसका नाम ऊंचा होता है। जब आप देखते होंगे, ये यहां मैं छोटे छोटे बच्चों को देखती हूँ, और ये छोटे छोटे बच्चे जब अपने माँ बाप से बढ़ करके अच्छे कार्य करते हैं, जैसा आप खाना बनाती हैं महिलाएं, आपसे अच्छा जब आपकी बेटियां खाना बनाती हैं तो आपको, मैं विश्वास करती हूँ, खुशी होती होगी। और ऐसे ही एक पिता के लिए, उसका पुत्र जब उससे बहुत अच्छा व्यापार करके अपने पिता को देता है तो वो एक पिता खुश होता है। तो ये कार्य, ये जीवन में ये जो स्वभाव है, ये एक सिर्फ और सिर्फ माता और पिता के पास ही होता है, हमारे रचना कार्य का पास होता है, और वो है पिता परमेश्वर जो स्वर्ग में है, वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि जितनी शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने आपको दी, वो इसलिए दी ताकि आप उससे भी बड़े कार्य करें, ताकि उसका नाम महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह में जो हमारी पहचान है, उसकी 3 मुख्य विशेषताएं हैं। प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान एक चेले के समान है। चेला क्या होता है, विश्वासी और चेले में क्या भिन्नता होती है? विश्वासी होता है जो प्रार्थना में आता है, चर्च आता है और पढ़ता है, और पढ़ के चर्च में सुन के और फिर वो चला जाता है। वो वचन भी पढ़ता है, प्रार्थना भी करता है, संगति में आता है और वो अपने घर वापस चला जाता है, वो विश्वासी होता है। लेकिन चेला कौन होता है? चेला वो होता है जो चेला बनाता है, वो चेला होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने आपको विश्वासी होने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चेला बनने के लिए बुलाया है। और चेले आप तभी कहलाएंगे जब आपका अपना एक चेला हो। और मैं विश्वास करती हूँ आज के बाद जब मैं दोबारा आपके साथ आऊंगी तो आप अपने साथ एक एक चेले को अवश्य लेकर आएंगे, और आप कहेंगे कि मैं असली प्रभु यीशु मसीह का चेला हूं या चेली हूं, क्योंकि आपके साथ एक चेला होगा। अब देखते हैं कि जब हम चेले को तैयार करते हैं, जब आप किसी चेले को तैयार करते हैं, तो उसके जीवन में 2 मुख्य विशेष बातें होती हैं। प्रभु यीशु मसीह का चेला प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में
और प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बढ़ना चाहिए। आपको पता है, जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं तो वो कंपनी आपको ट्रेनिंग जरूर देती है। एक उदाहरण के लिए बताऊंगी कि जब मैंने मारुति कंपनी दिल्ली में ज्वाइन की थी, मैं प्रभु की सेवा से पहले, शादी से पहले मैं जॉब करती थी, और जब मैंने मारुति कंपनी में ज्वाइन किया तो उन्होंने मुझे 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और मैं ट्रेनिंग से निकली और फिर मैंने वहां पे जॉब किया। और फिर थोड़े दिन बाद मेरे पास एक अच्छा अवसर था और मैंने जॉब ज्वाइन करने के लिए मेरे पास कॉल आया टाटा टेक्नोलॉजी से। फिर मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज में ज्वाइन किया, जॉब किया। जब मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज में ज्वाइन किया तो उन्होंने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि हम आपको अच्छी जॉब देंगे, पहले से अच्छा सैलरी देंगे, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आपको ट्रेनिंग से निकलना पड़ेगा। और वहां पे 2 महीने की ट्रेनिंग थी। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्रेनिंग करूंगी। लेकिन मेरे मन में एक ही सवाल था कि मैं तो एक अच्छी स्टूडेंट रही हूँ अपने कॉलेज में, एक टॉपर रही हूँ, शुरू से मेरा स्केल अच्छा है, परसेंटेज अच्छे हैं, लेकिन फिर ये मुझे कंपनी ट्रेनिंग क्यों देती हैं? लेकिन नहीं, उनका अपना प्रोडक्ट था, उनके अपने तरीके थे, उनके प्रोडक्ट के बारे में एक अपनी नॉलेज थी, तो वो इसलिए ट्रेनिंग रखते थे। तो मैंने कहा मैं ट्रेनिंग से निकलूंगी और मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग किया। कुछ समय ऐसे ही बीतता गया। थोड़े समय बाद मेरे पास ओखला भारती, जो एक एयरटेल की बड़ी कंपनी है जिसका ऑफिस दिल्ली में ओखला में है, मेरे पास वहां से कॉल आया और परमेश्वर का अनुग्रह था, मैंने 7 इंटरव्यू दिए। जब एयरटेल में मैंने 7 इंटरव्यू दिए और मेरा सिलेक्शन हो गया, और उस सिलेक्शन में जो एक लंबा सा लेटर मेरे पास था उसमें लिखा था कि वो मुझे 6 महीने की ट्रेनिंग पे भेजना चाहते हैं। और फिर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा अब नहीं, 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं करनी। और फिर प्रभु का कुछ अनुग्रह मेरे ऊपर ऐसा था कि हमारी शादी हुई, हम वो निर्णय ले ही पाते कि हमारी शादी हुई और हमने परमेश्वर की सेवा को ज्वाइन किया। और जब मैं परमेश्वर की सेवा को ज्वाइन कर रही थी और मैंने निर्णय लिया था कि अब मैं प्रभु के पीछे पीछे चलूंगी, ये सबसे अच्छा है, इसमें कोई ट्रेनिंग पे नहीं भेजेगा, इसमें ट्रेनिंग पे कहीं नहीं जाना है, बस अपना बैग उठाना है और चल देना है। लेकिन मैंने पाया कि मेरी तो ट्रेनिंग आज तक चल रही है, और वो है परमेश्वर का वचन। मैं आपको बताऊं, जब तक जीवन है तब तक ये परमेश्वर का वचन है और ये हमेशा आपके साथ रहेगा। ये हमारा दर्पण है, ये हमारे जीवन का दर्पण है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी, मैं तब की एक बात आपको बताना चाहती हूँ। तब मैं अंधकार में थी, और जब हम प्रभु में नहीं होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हम अंधकार में हैं, लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है हमें पता लग जाता है कि हम अंधकार में हैं। और जब आप उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय और पहला पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले पद में यदि आप आकाश और पृथ्वी देखेंगे, इंग्लिश के बाइबल में लिखा है ही क्रिएटेड हेवन एंड अर्थ, उसे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। वो है महान परमेश्वर जिसने हमें अस्तित्व में लाने से पहले ही उसने स्वर्ग को बना दिया था। उसने हमें अस्तित्व में लाने से पहले स्वर्ग को बनाया था। कितना अटूट विश्वास का आधार है आपके पास, वो है प्रभु यीशु मसीह। आपको इधर उधर भटकने की और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। He has already made a heaven for you. Just a way to reach Jesus Christ. दूसरे पद में लिखा है पृथ्वी बेढाल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तीसरे पद में लिखा है जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। This is what God has created us.
परमेश्वर ने हमें कुछ इसी अनुसार बुलाया है और बनाया है कि जब हम अंधकार में थे, जब हमें पता नहीं था कि हम अंधकार में हैं, जब मुझे पता नहीं था कि मैं गलत कर रही हूँ, मैं परमेश्वर को कितने ऊंचे ऊंचे इन स्थानों पर ढूंढा करती थी, लेकिन परमेश्वर तो खुद मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया और ये वचन में पाया। तो जब वचन मेरे जीवन में आया तो मेरे जीवन से अंधकार अलग हो गया। वही तो परमेश्वर का वचन बताता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होता तो हम बेडौल और सुनसान होते हैं। और जैसे परमेश्वर का वचन, जीसस सेड आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपके मार्ग के लिए दीपक है और ये आपके लिए उजाला है। जब वचन आपके जीवन में आता है तो आपके जीवन से अंधकार, कंफ्यूजन, संदेह, शक, समस्याएं हट जाती हैं, स्वतः हट जाती हैं। आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता और परमेश्वर का वचन स्वतः अपने आप, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है पहले अध्याय में, अंधकार उजियाले से अलग हो गया, वैसे ही हमारा जीवन अंधकार से अलग हो जाता है और हमें सही और गलत पता लग जाता है। यही तो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का ज्ञान है। प्रभु यीशु मसीह, द विजडम ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान और प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हमें दोनों तरह से कार्य करना। वो हमें सिर्फ सांसारिक और बातों में, आत्मिक ज्ञान में ही नहीं ले जाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम उसके चरित्र में भी बढ़ते जाएं। और जब हम उसके चरित्र में बढ़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। आप जानते हैं वो राज्य क्या है? वो राज्य है प्रभु यीशु मसीह का चरित्र। और जब प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को आप लिए चलते हैं तो उसका राज्य आपके हृदयों में आता है। और जब आपके जीवन में, आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का राज्य आता है तो वही तो हम बांटते हैं। एक छोटी सी कहानी और, एक दो दोस्तों की। एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त पड़ोसी से बहुत चिढ़ता था और बहुत जलन रखता था। तो उस दोस्त ने पहले दोस्त के लिए क्या किया, अपने घर का जितना भी कूड़ा और कचरा था वो सब उठा के रात में अपने उस पड़ोसी के घर पे रख दिया। और जैसे ही उसका पड़ोसी सुबह उठा और उसने देखा कि बहुत सारा कचरा उसके दरवाजे के बाहर पड़ा है और उसको बहुत स्मेल आई, उसको वॉमिट भी हुई और वो परेशान रहा और दो दिन तक वो सो नहीं पाया और उसकी तबीयत खराब रही। तीसरे दिन जैसे ही उसकी तबीयत ठीक हुई, आप जानते हैं उसने क्या किया? उसके घर में और उसके बगीचे में जितने खूबसूरत और खुशबूदार फूल थे उन सबको उसने लिया और अपने उस पड़ोसी के घर के दरवाजे के आगे रख दिया जिसने उसके घर के दरवाजे पे कचरा रखा था। और जैसे ही उसका दोस्त सुबह उठा और उसने देखा कि ये मेरे सामने तो सारा गुलदस्ता बना हुआ है घर के सामने, उसको दो दिन नींद नहीं आई, वो परेशान रहा और उसने अपने पहले मित्र से जाके पूछा कि मैंने तो तुम्हारे घर के आगे कचरा रखा था, तुमने मेरे घर के आगे गुलदस्ता क्यों सजा दिया? तो पता है उसने क्या कहा? पहले दूसरे मित्र ने कहा कि जो तुम्हारे पास था वो तुमने दे दिया और जो मेरे पास था वो मैंने दे दिया। यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में और जीवन में नहीं होगा, आप बांट नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर के राज्य को समझिए कि वो क्या है, तभी आप चेला बना पाएंगे और तभी आप प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में उसको लिए आगे चलेंगे, तभी आप बांट पाएंगे। एक चेले के क्या अधिकार है? जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमें वो सिखाता भी है, क्योंकि वचन बताता है कि बुलाए गए से ज्यादा बड़ा बुलाने वाला होता है जिसने आपको यहां बुलाया है। और मैं विश्वास करती हूं कि उसने आपको बुलाया है तो वो आपको इक्विप करेगा, वो आपको सिखाएगा और तैयार करेगा। एक सिपाही जब सीमा पे खड़ा होता है तो वो कितने महीने की ट्रेनिंग से जाता है? 1 महीना, 10 महीना, साल भर, पूरी जिंदगी उसकी ट्रेनिंग चलती रहती है, क्योंकि वो अपडेट होता रहता है। कुछ नया आता है, कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है और उसको सीखना है, क्योंकि उसको
अपने विरुद्ध जो शैतान है उसके विरुद्ध उसको लड़ना है। जो सीमा पे जो खड़े रहते हैं सिपाही, आपने उन्हें देखा होगा, उस सीमा पे बिल्कुल तैयार खड़े रहते हैं। वो आपको हमेशा यूनिफॉर्म में दिखाई देंगे, कहीं आपको नाइट सूट में नहीं दिखेंगे, वो आपको हमेशा यूनिफॉर्म में दिखेंगे, तैयार रहते हैं वो। उनकी गन, उनके हथियार एकदम तैयार रहते हैं, वो रोज अपने हथियार को तैयार करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि जब गोलाबारी हो तभी वो हथियार को तैयार करें, वो अपने हथियार को रोज तैयार करते हैं और रोज रखते हैं। ये है आपका अधिकार, और ये आपका अधिकार भी है। आपको इसको रोज पढ़ना है, इसको रोज तैयार करना है, ताकि आप इसको बांट सके, क्योंकि जब ये तैयार नहीं होगा आप बांट नहीं पाएंगे। और इसलिए उस सिपाही की तरह परमेश्वर आपको सीमा तक ले जाएंगे जब आप तैयार हो जाएंगे, और उसने बुलाया है वो आपको तैयार करेगा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 9 पद, कि अंधकार में से ज्योति में आपको परमेश्वर लेकर आया, प्रभु यीशु मसीह लेकर आया, उसने कीमत चुकाई है, तो इसलिए उसने आपको अधिकार दिया है। और वो अधिकार क्या है? आप याजकों का समाज है, आप कोई साधारण लोग नहीं है, आप साधारण लोग नहीं है, आप याजकों का समाज है। एक याजक के क्या कार्य होते हैं, एक याजक के क्या अधिकार होते हैं, आगे देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 5-6 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगी, उसे ध्यान से सुने। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लोहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। याद रखिए, जो परमेश्वर आपको देता है वो आपसे कभी लेता नहीं है। आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की थी, उसने पेड़ पौधे चांद सितारे सब कुछ बनाया था, और आज भी आपके साथ वैसा ही बना हुआ है। परमेश्वर मनुष्य नहीं जो बदल जाए, वचन बताता है ये वो परमेश्वर है जो युगानुयुग एक सा बना रहता है। वो भूतकाल वर्तमान और भविष्य एक सा है, उसके वादे उसके अधिकार आपके जीवन के लिए एक से हैं जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं। इसलिए उसके लिए वचन कहता है कि और हमें एक राज्य और पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया और उसी की महिमा जो युगानुयुग होती रहे, वो पराक्रम है। और उसने जो अधिकार आपको दिए हैं वो तब तक के लिए है जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं। और एक बात और गहरी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सिर्फ एक कार्य ऐसा है जो हम स्वर्ग में जब उठा लिए जाएंगे हम वहां नहीं कर सकते। आप सब कार्य जो आप यहां कर रहे हैं, प्रभु की महिमा, गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, परमेश्वर को अनुभव करना, आप सब स्वर्ग में कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक कार्य है जो आपको पृथ्वी पे दिया गया है, और वो है सुसमाचार सुनाना। वो कार्य आप स्वर्ग में नहीं कर सकते, इसलिए वो कार्य की जिम्मेदारी आपको दी गई है, उसको आपको आगे लेके जाना है। यही तो हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर तेरा राज्य आए, तेरा नाम पाक माना जाए। और वो राज्य क्या है? वो है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और उसकी सहभागिता। वचन में आगे बढ़ेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 12:3 पद, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कितनी बड़ी बात, इस जगत को बनाने वाला परमेश्वर आपसे कहता है। कोई मनुष्य आपसे वादा नहीं कर रहा, शायद मैं आपसे वादा करूं और मैं कल इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन वो परमेश्वर जो युगानुयुग एक सा है और आज भी जीवित है, वो आपसे वादा करता है। वो आपसे कहता है कि वो अधिकार वो उसने आपको दिए हैं, और वो कहता है कि मैं तुम्हें आशीष देता हूं। वो आपको आशीष इसलिए देता है ताकि आप दूसरों की आशीष बन जाएं। वचन बताता है कि धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आज जब मैं अपनी कुछ मेरी खास मित्र हैं, मेरी बहनें हैं कुछ खास, जिनसे मैं बात करती हूँ परमेश्वर के वचन में, और कभी कभी जब उनसे मैं सवाल करती हूँ कि आप
कैसे कहेंगे कि आप आशीषित हैं? तो वो कहते हैं कि मैं संपन्न हूँ, मेरे पास अच्छा परिवार है, घर है, गाड़ी है, बहुत नौकर चाकर है। लेकिन फिर मैं उनको परमेश्वर का वचन बताती हूँ कि वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो उसका वचन सुनते और मानते हैं। इसलिए धन्य है आप, क्योंकि आप परमेश्वर का वचन सुन और मान रहे हैं। शायद बहुत से लोग बुलाए गए होंगे, लेकिन आप चुने हुए हैं, स्पेशल चूज़न पीपल, आप चुने हुए हैं। इसलिए वचन कहता है कि आने वाले से बड़ा आपको बुलाने वाला है, जिसने आपको बुलाया है वो आपको सिखाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात, प्रार्थना। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर सके, मध्यस्थता की प्रार्थना। मैं आपको बताऊं मेरी बहनों और मेरे भाइयों, किसी के लिए प्रार्थना करना उतना ही मुश्किल है जितना कि हम बयान नहीं कर सकते। यदि हम किसी से मिलते हैं तो हम उसको बोलते तो जरूर हैं हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, लेकिन हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। परंतु असल में प्रार्थना तब होती है किसी बंदे के, जब आप उसका नाम अपने पेपर पे लिख लें और उसको यूहन्ना उसका 15:15 में लगा दें और आप उसको वचन बाइबल में रखें उनके नामों को, ताकि आप उनके याद करके उनके नाम से आप प्रार्थना कर सके। वचन कहता है कि प्रभु ने तुम्हें नाम लेके बुलाया है। शैतान आपको आपके पापों से बुलाएगा, वो आपके पापों से आपको पहचान देगा, ही विल आइडेंटिफाई थ्रू योर सिंस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपको नाम लेके बुलाया है। वो नाम जो है, वो पहचान, वो आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस नाम को आपको एक पेज पे लिख के बाइबल में रखना है और उनके लिए रोज प्रार्थना करनी है, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह भी किया करते थे। जब प्रभु यीशु मसीह बहुत सी भीड़ों के साथ चलते थे, भीड़ उनके पीछे होती थी, तो वो एकांत में थोड़ा सा समय निकाल के अलग पहाड़ पे चले जाया करते थे और वो प्रार्थना करते थे, और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। आपको पता है वो क्यों प्रार्थना करते थे? यद्यपि वो खुद स्वयं परमेश्वर थे, वो प्रार्थना इसलिए करते थे ताकि वो जो करते हैं वो हम भी सीख के कर सके। इसलिए उन्होंने बपतिस्मा लिया, इसलिए उन्होंने प्रार्थना किया ताकि वो हमें करना सिखा सके। यद्यपि आज जो बात मैं आपको सिखा रही हूं स्वयं मेरे जीवन में ना हो तो वो आपके लिए फलदायी नहीं होगी, आप उसे नहीं कर सकते, आप उसे अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बात जो अपने चेलों को, अपने लोगों को भीड़ में सिखाई और समझाई, वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह भी करते थे। इसलिए तो कहा जाता है कि वो पूर्ण परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने आपको करके सिखाया, क्योंकि उसने आपको बुलाया है तो वो आपको सिखाएगा भी, वो आपको भरपूर कर देगा। He will equip you, He will bless you। वो सिर्फ आपको आशीषित ही नहीं करेगा, वो आपको बहुत से लोगों की आशीष का कारण बना देगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण कब बनेंगे? जब आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य होगा, आपके जीवन में, आपके हृदय में वो परमेश्वर का राज्य होगा। और परमेश्वर का राज्य, मैं फिर दोहराना चाहूंगी, दो बातों में महत्वपूर्ण है, द विस्डम ऑफ क्राइस्ट एंड द इमेज ऑफ क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का चरित्र और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान। किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उन 12 चेलों को चुना और उनको सिखाया और उनको भेज दिया। तभी आज आप इस देश में ही नहीं, इस दुनिया के किसी भी देश में कोने कोने में जाएं, आपको वहां प्रभु के लोग अवश्य मिलेंगे, आपको प्रभु के लोग अवश्य मिलेंगे। यद्यपि यीशु मसीह अपने दायरे से, एक सीमित दायरे से बाहर कहीं नहीं गए, लेकिन फिर भी आज हर एक देश में प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वो सब जगह व्याप्त परमेश्वर है। हम बहुत से लोगों की बात तो सुनते हैं, बहुत से, जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं बहुत से साधु संतों के उपदेशों को सुना करती थी, और वो कहते थे कि वो ईश्वर व्यापी है, ईश्वर व्यापी है, वो सब जगह विद्यमान है। पर एक सवाल हमेशा मेरे हृदय में रहता था कि वो कैसे विद्यमान है, वो तो दिखता नहीं, हम उसको कैसे जानेंगे, हम उसको कैसे पहुंचेंगे। पर जब मुझे ये ज्योति मिली
तब मेरे जीवन से अंधकार हट गया, तब मैंने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जान लिया कि वाकई में वो जीवित है। आज भी प्रभु यीशु मसीह की कब्र खाली है। आप प्रभु यीशु मसीह को तब तक नहीं बांट सकते मेरे प्रिय मित्रों, जब तक आप प्रभु को पहचान ना ले। वो ट्रेनिंग, जब मैं मारुति में थी तो वो मारुति कंपनी ने मुझे अपने प्रोडक्ट के विषय में समझाया, मारुति क्या है, कैसे उसका आविष्कार हुआ, उसके कितनी गाड़ियां हैं, VXI क्या होता है, सारी चीजें, AC कैसे काम करता है, कहीं आपको बेचना हो तो आप उसको कैसे, आप उसकी खूबियों को बताएंगे। जब मैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वाइन किया तो टाटा टेक्नोलॉजीज में उनके अपने प्रोडक्ट्स थे, उसके विषय में वो हमें नॉलेज देते थे, ट्रेनिंग देते थे। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक महत्वपूर्ण विषय है, ध्यान रखिएगा, उसके विषय में जानना और समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि दूसरों को वचन बांटना। आप तब तक प्रभु यीशु मसीह को बांट नहीं सकते जब तक आप उसको अनुभव ना कर ले, उसको अनुभव करें, उसको पहचाने, उसके साथ समय बिताएं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि हम उसके साथ समय बिताते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उसकी अच्छाइयों और उसकी बुराइयों को जानना चाहते हैं, उससे बातचीत करते हैं, चाहे वो फोन पे हो, चाहे पत्राचार के थ्रू हो, चाहे मिलके। एक प्रेम प्रेमिका जब एक दूसरे से मिलते हैं तो वो खूब एक दूसरे के विषय में जानना चाहते हैं, हमें तुम्हारे साथ लंबा जीवन बिताना है तो हम तुम्हारे एक दूसरे के विषय में वो जानना चाहते हैं। इसी अनुसार आप परमेश्वर को स्थान दें, आप परमेश्वर के विषय में जांचें, उसके साथ समय बिताएं, वचन में टाइम स्पेंड करें, तब आप उसके हृदय को समझ पाएंगे, क्योंकि ये उसका हृदय है, ये आपको दिया गया है, आपको दे दिया है। प्रभु का वचन बताता है कि जीवन और मृत्यु उसने आपके हाथों में दे दी है और वो चाहता है कि आप जीवन ही को चुन लें। You are free, आप स्वतंत्र हैं। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया, वो चाहता तो वो हमें रोबोट बना सकता था, आज वो चाहे तो 2 सेकंड में हमारी सांस को हमारे शरीर से छोड़ दे, अलग कर दे, लेकिन नहीं, वो चाहता है, उसने हमें इक्विप किया, उसने हमें आपको स्वतंत्रता दी है कि आप उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल उसके वचन पढ़ने में लगाए, उसको जानने में लगाए, उसको पहचानने में लगाए कि वो कौन है परमेश्वर। आप घुटनों पे आए, उससे प्रार्थना करें, प्रभु आप अपने आप को मुझे रिवील करें, I want to know you, I want to equip myself with your knowledge, मैं आपको जानना और समझना चाहता हूँ, सिर्फ एक उसी प्रेमी और प्रेमिका के समान जैसे वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं, वैसे आप भी उस तड़प के साथ, उस प्रार्थना के साथ परमेश्वर को पुकारे अपने जीवन में और उससे कहें, Lord, I want to know you. जब तक आप उसे नहीं पहचानेंगे आप उसे प्रचार नहीं कर पाएंगे। आप उसको पहचाने, आप अपने जीवन में उसको लेके आए। और मैं समाप्ति की ओर बढ़ूंगी, मैं विश्वास करती हूँ कि मैंने ज्यादा समय नहीं लिया होगा और बताने को मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत भंडार है, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन परमेश्वर के सही समय का हमें इंतजार करना है। और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपने मनों को, हृदय को तैयार करें। स्पेशली मैं महिलाओं को इनकरेज करना चाहती हूँ। अभी मैं बंगाल में थी, यहाँ पे आप लोगों के बीच में आने से पहले बंगाल में, वहाँ पे 150 पास्टर्स थे जिसमें 80 महिलाएं थी जिन्होंने अपने जीवन प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए दे दिया था। और मैंने उनसे बातचीत किया, उनके साथ समय बिताया, बहुत अच्छा लगा, मैं भी बहुत आशीषित हुई। और सच में एक बहुत बड़ी तड़प है उनके जीवन में, एक जुनून है उनके जीवन में कि परमेश्वर का राज्य आगे लेके जाना है। वो किसके थ्रू होगा? प्रभु यीशु मसीह अब सिर्फ न्याय करने आएगा, जीवन आपको देना है। वचन बताता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम्हारे विश्वास के द्वारा तुम्हारा उद्धार, घराना उद्धार पाएगा, आपके विश्वास के द्वारा। और वो विश्वास कैसे आएगा? स्पेंड टाइम विद वर्ड ऑफ गॉड, अपनी बाइबल को रंग ले, अपनी बाइबल को रंग ले। जब आप अपने परमेश्वर के वचन को हाईलाइट करते हैं, जितना आप हाईलाइट करेंगे उतना परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा हाईलाइट करेगा।
परमेश्वर के वचन को पढ़ें. स्पेंड टाइम वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि तभी उसका राज्य आएगा और तभी आप उसका राज्य बांट पाएंगे. प्रभु आप सबको आशीष दें.